हरियाणा में कांग्रेस भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत नहीं थमी है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है। भाजपा ने उन्हें हिसार से टिकट नहीं दिया था। वह कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। कल उनकी कांग्रेस से भी टिकट की चर्चा थी, लेकिन बेटे के भाजपा सांसद होने की वजह से बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। नामांकन भरने के बाद सावित्री जिंदल ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। मैंने मेरा हिसार, मेरा परिवार है, मेरे हिसार परिवार का आदेश हुआ कि मैं नॉमिनेशन भरूं, और क्योंकि मैं 5 साल इनकी सेवा करना चाहती हूं, मुझे था कि मैं क्या चुनाव लड़ूं और इनकी सेवा करूं। मेरे हिसार परिवार ने मुझे आदेश दिया कि आप नॉमिनेशन भरिए और हमारे बीच में आइए। उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, और उनके प्यार और समर्थन को देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में। मैं तो कांग्रेस की टिकट पहले भी नहीं चाहती थी। मैं तो पहले भी मेरे सब हिसारवासियों ने यही कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ो तो हमारा घर अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैं निर्दलीय चुनाव।